नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.5 लेट्स मार्च का क्वेश्चन और आंसर। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इस लेसन के अंदर जो वार्मिंग अप है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो इंग्लिश वर्कशॉप है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश वर्कशॉप और वार्मिंग अप दोनों के भी आंसर मिलने वाले हैं। समझ में आया? देखो, ये आपका इंग्लिश वर्कशॉप है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए और वार्मिंग अप भी है। तो सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा वार्मिंग अप का, क्या दिया गया है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर, यानी ये पिक्चर आपको देखना है, समझना है और फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ए मेन डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, यानी ये दो चीज़ों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। चलो, ये पिक्चर आपने देख लिया, एकदम ध्यान से देख लीजिए ज़रा। चलो अभी डिफरेंस देखते हैं। तो देखो, इन द फर्स्ट पिक्चर द लिटिल बॉय इज वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट और अ किल, ही इज़ अ चाइल्ड लेबरर। इन द सेकेंड द बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पहले वाले फिगर में ये लड़का क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। देखो कितना छोटा सा बच्चा है और ये स्कूल जा रहा है, राइट। चेंज रिक्वायर्ड, कौन सा चेंज की ज़रूरत है, मतलब इसमें हमको क्या चेंजेस करना चाहिए। तो द बॉय इन द फर्स्ट पिक्चर शुड नॉट वर्क बट गो टू स्कूल, यानी ये जो पहले पिक्चर में ये जो लड़का काम कर रहा है, इसे काम नहीं करना चाहिए बल्कि उसे स्कूल जाना चाहिए, राइट। सी है यहाँ पे कि योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ स्टूडेंट टू हेल्प एंड मेक अ डिफरेंस इन नीडी चिल्ड्रन, मतलब आप कैसे हेल्प कर सकते हैं जिन बच्चों की भी ज़रूरत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनिएगा। आई डोनेट माई ओल्ड बुक्स, यानी जो हमारे ओल्ड बुक्स है वो हम उनको डोनेट कर सकते हैं। देन स्कूल बैग दे सकते हैं जो भी नीडी चिल्ड्रन हैं उनको, राइट। सो वी कैन हेल्प इन मेनी वेज ऑफ देम। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज पुट राइट और रॉन्ग। अ गुड स्पीच डिलीवर रिक्वायर्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली। वेल प्लान एंड थॉट्स वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान एंड थॉट्स वेल ऑर्गेनाइज, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू, ओके। सेकेंड वन इज डिलीवर सॉफ्टली एंड इन अ लो वॉइस, या इट्स फॉल्स, ओके। समझ में आया? देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिसन केयरफुली, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ गुड स्पीच डिलीवर रिक्वायर्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जब आप स्पीच देते हो तो आपका अच्छा स्पीच, मतलब आपको स्पीच कैसे डिलीवर करना चाहिए, ओके। मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जो गुड स्पीच होता है, जो अच्छा भाषण होता है, उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं। तो जो उसके फीचर्स हैं वहाँ पे इस तरीके से सही कर दो और जो नहीं है उसको कट कर दो, राइट। अब तो क्लियर हो गया ना। तो फर्स्ट वन क्या है कि वेल प्लान एंड थॉट्स वेल ऑर्गेनाइज, या इट्स ट्रू, है ना। पहले से प्लानिंग तो होनी चाहिए, फिर डिलीवर सॉफ्टली एंड लो वाइज, नहीं नहीं ये कहाँ की बात है, अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे तो कौन हमारी बात सुनेगा। स्पीकर नीड नॉट ग्रीट द डिग्निटरीज एंड ऑडियंस, इट्स ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमें ग्रीट करना चाहिए ना जो भी लोग आए हैं ऑडियंस को। लैंग्वेज यूज शुड बी सुटेबल टू द ऑडियंस, यार इट्स ट्रू, मतलब जितना जैसे ऑडियंस बैठी है उसी के हिसाब से हमको लैंग्वेज भी चूज़ करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि हम किसी गांव में गए स्पीच देने के लिए, अब वहाँ पे जाकर के इंग्लिश बोलने लगेंगे तो कैसे समझेंगे, बताइए। हम अगर हम गांव में गए हैं तो हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। स्पीच शुड बी अ प्रॉपर ड्यूरेशन, या इट्स राइट, देखो यहाँ पे राइट है। स्पीकर शुड बी पैसिव एंड हैव अ फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैव नो फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये भी गलत है ना। यहाँ पे क्या है कि स्पीकर शुड हैव पैसिव एंड हैव नो फेशियल एक्सप्रेशन, नहीं नहीं उसका फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा। ऐसे हम पुतले की तरह खड़े होकर के बोलते गए तो कहाँ कौन समझ रहे हैं, सब लोग तो अपने में बिजी हो जाएंगे। स्पीच शुड बी सपोर्टेड बाई गुड एग्जाम्पल्स एपिसोड्स विजुअल एड्स वेयर पॉसिबल, या इट्स ट्रू, हमको एग्जाम्पल दे करके अपने स्पीच को प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला है स्पीकर शुड स्विच ओवर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी स्पीकर को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे चला जाना चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो वही लैंग्वेज बोलो, ओके क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको करना था। देखिए यहाँ पर ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, तो मैं आप लोग को ना इसे टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये आपको इस तरीके से एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ एक्सप्रेशंस लिखे गए, जैसे कि ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द स्पीच,
कंक्लूजन, थैंकिंग द ऑडियंस। ओके, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक्सप्रेशंस है, तो ये एक्सप्रेशंस को आप क्या करो ना, चूज़ करो। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। तो ग्रीटिंग आपको पता है, स्टार्टिंग में जब हम कोई भी स्पीच देने के लिए जाते हैं तो हम कैसे सबका वेलकम करते हैं, राइट? तो वैसा, तो इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशंस आने चाहिए, आपको क्या लगता है? यहाँ पे आपको समझ आ रहा है क्या? ध्यान से देखो। तो सबसे पहला तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। लेट मी बिगिन टुडे बाय शेयरिंग, ये भी नहीं हो सकता। नाउ सी थर्ड वन, ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड जो भी यहाँ पे ऑडियंस रहेगी उनको, फिर एमिनेंट, यहाँ पे क्या आएगा, मैंने लिखा हुआ है आंसर में, मैं आपको बता दूंगी। एमिनेंट डिग्निटरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब देखो ये क्या हो गया, ग्रीटिंग है ना, एकदम स्टार्टिंग में जो हम बोलते हैं। तो तीसरा वाला, ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? और कोई सेंटेंस इसमें आएगा क्या? देखो, और कोई एक्सप्रेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू एक्सेप्ट दिस इशू सो पैसिवली, ये नहीं आएगा। नहीं 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 ये भी नहीं आएगा। देखो देखो ध्यान से, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और ये देखो, सेवन्थ वन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट टूडे, तो ये भी हम स्टार्टिंग में बोल सकते हैं ना, तो ये भी यहाँ पर आ सकता है, यानी थर्ड वन इसमें आ सकता है एंड द सेवेंथ वन। क्लियर है आपको, समझ आया? अभी इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखना चाहोगे, तो देखो ध्यान से, इंट्रोडक्शन जब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने स्पीच की, तो ये बोल सकते हैं, लेट मी बिगिन टुडे माई टुडे बाई शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। देन और क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, वैसे मैंने सब कुछ आंसर लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ, बाकी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ना, मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से मिलाते रहना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। फोर्थ क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड क्लासमेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ एज मेनी इंडियन नोबल ल्यूरिएट्स एज यू कैन, यानी जिनको भी नोबल प्राइज मिला हुआ है ऐसे लोगों के आपको नाम लिखना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ओके, तो चलो मैं आप लोगों को बता दे जाती हूँ। नेम, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल प्राइज मिला था, वाह, इनके लिटरेचर के लिए। देन सीवी रमन, फिजिक्स के लिए। मदर टेरेसा, पीस के लिए। अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक स्टडीज। कैलाश सत्यार्थी, पीस। हरगोविंद खुराना, साइको फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स। वेंकट रमन रामकृष्ण, केमिस्ट्री। और रूडयार्ड किपलिंग, लिटरेचर। एंड दलाई लामा को फॉर पीस। ओके, तो ये कुछ हैं नोबल प्राइज विजेता। अब उसके बाद आता है इंग्लिश वर्कशॉप। देखिए यहाँ पे हमने वार्मिंग अप के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम चलेंगे इंग्लिश वर्कशॉप पे। तो इसमें पहला क्या है, नेम द फॉलोइंग, द पर्सन टू होम कैलाश सत्यार्थी गिव्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर। तो उनके नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर एंड इकबाल मसीह। बी है, द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया, तो बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी। अगला यहाँ पे कि सो कॉल्ड डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी, तो मलाला, टू कायंता, साजिया, द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। डी है यहाँ पे, द फॉरेन एक्टिविटीज़ ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन इन द स्पीच, तो देखो यहाँ पे लिखा है इकबाल सिंह, मलाला यूसुफ जाई एंड टॉम हार्किन। ओके, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे यहाँ पे क्या है, मेंशन द सोशल इश्यूज हाइलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन हिज स्पीच, वन सोशल इशू इज गिवन फॉर यू। तो यहाँ पर देखिएगा, चाइल्ड लेबर, स्लेवरी, चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज, इलिटरेसी। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, प्लीज़ इसको नोट डाउन करना। एंड देन क्वेश्चन नंबर थ्री, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द एम इन लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी इन दैट एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री। देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, बी अ चाइल्ड, ग्रो एंड डेवलप, लाफ एंड क्राई, प्ले एंड लर्न, ड्रीम, ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, गो टू स्कूल। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट, इसे आपको कंप्लीट करना है, क्या है, वॉट कैलाश सत्यार्थी अपील्स, तो लेटस ग्लोबलाइज कंपेशन, लेटस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, लेटस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेटस मार्च फ्रॉम मोर्टलिटी टू डिविनिटी, लेटस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 है, थिंक एंड गिव योर रिस्पॉन्स. इसमें ए है, हाउ कैन एजुकेशन हेल्प द डिप्राइव चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबरर्स. यानी जो एजुकेशन है वो डिप्राइव चिल्ड्रन और जो चाइल्ड लेबरर्स हैं उनकी कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है और खुद से बताना है. ऐसा नहीं कि आपको टेक्स्ट बुक से देख करके बताना है. गिव योर ओन रिस्पॉन्स. ओके, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. यू हैव टू राइट योर ओन, मतलब आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आप लिखो. ठीक है, तो देखो हमने लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अभी हमारे दिमाग में जो चल रहा है हमने वो लिख दिया है. एक बार पढ़ करके बताती हूँ. एजुकेशन विल हेल्प द डिप्राइव चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबरर्स टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड अर्न अ डिसेंट लिविंग. इट विल हेल्प देम टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एजुकेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस एंड मेकिंग चिल्ड्रन ग्लोबल सिटीजन्स. फ्रॉम एजुकेशन एंड गेनिंग नॉलेज, चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड देयर ओन एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स. ओके, सो दिस इज योर आंसर. बी है यहाँ पे, नेम एनी अदर सोशल एक्टिविटीज टू हु हैज वर्क इज वर्किंग अर्नलेसली फॉर चाइल्ड वेलफेयर, राइट अबाउट हिज और हर एक्टिविटीज. सुनिएगा बच्चों, मतलब आप कोई ऐसे सोशल एक्टिविटीज को जानते हो क्या जो वर्क करते हैं बच्चों के लिए ही, ठीक है, उनकी भलाई के लिए, उनके बारे में आपको लिखना है. तो देखो हमने एक जन का नाम लिखा है, नीना पी नायक इज अ सोशल वर्कर एंड चाइल्ड राइट एक्टिविटीज़ activities from Dakshin Kannada. She has dedicated her life to the promotion of protection of child rights. Her work include kya kya karte hai wo, the recognition of child rights and policy formulation for child's right. Okay, ab question number C hai yahan pe, कि वॉट मैसेज डज द लिटिल बर्ड स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट फायर कन्वे टू अस. एक्सप्लेन, यानी ये जो स्टोरी था लिटिल बर्ड का, ओके, तो ये हमको क्या बता रहा है, एक्सप्लेन करना है. तो इसका भी आंसर हमने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ इसको नोट करिए. ठीक है ना, आगे चलते हैं. डी है यहाँ पे कि बिसाइड्स द पॉलिटिकल फ्रीडम दैट आर नेशन एंजॉयज, व्हाट अदर फ्रीडम शुड इट स्ट्राइव फॉर, से व्हाई. मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम के अलावा और हमको किस फ्रीडम के लिए प्रयास करने चाहिए और क्यों. तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा हुआ है कि बिसाइड्स द पॉलिटिकल फ्रीडम दैट आर नेशन एंजॉयज, इट शुड स्ट्राइव फॉर सोशल फ्रीडम वेयर एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, वेयर एवरी वन इज अबव द पॉवर्टी लाइन, ओनली देन विल आर नेशन प्रोग्रेस. ओके, ई है यहाँ पे कि वॉट इज योर इम्प्रेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन बाई कैलाश सत्यवर्थी वेन ही रिसीव द नोबल प्राइज, राइट इन 3-4 लाइन्स. तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा हुआ है, द स्पीच वॉज वेरी इमोशनल बट रैदर कन्फ्यूजिंग एंड रिपीटेटिव. हाउएवर इफ वी विश द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड टू बी लुक आफ्टर वेल, वी हैव टू राउज द एडल्ट टू एक्ट इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड कंपेशनेट मैनर. दिस कैन बी डन ओनली बाई ट्राइंग टू टच देयर हार्ट्स एंड देयर इमोशंस विच द स्पीकर हैज अटेम्प्टेड टू डू. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड टू कन्वे द एग्जैक्ट मीनिंग. जैसे यहाँ पे डिविनिटी, तो क्या आएगा यहाँ पे, गॉड लाइनेस. फिर एक्सट्रीमिस्ट, क्या आएगा, मिलिटेंट. फिर कल्मिनेट, इसमें आएगा राइज टू अ पीक, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लोजन, मोर्टेलिटी, डेथ, डिग्निटी, सेल्फ स्टीम. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट फ्रॉम द लेसन. ये है यहाँ पे नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इनके यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, तो इनके नाउन फॉर्म्स आपको बताने हैं. तो डिग्निफाइड का डिग्निटी, पेसिफाई का पेसिफिकेशन, पर्सू का पर्सुइट, इग्नोर का इग्नोरेंस, पुअर का पॉवर्टी, डिवाइन का डिविनिटी. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे बी, वर्ब फॉर्म ऑफ, अभी वर्ब फॉर्म बताना है, डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटाइजेशन, ग्लोबल का ग्लोबलाइज, हिंड्रेंस का हिंडर, रिजोल्यूशन का रिजोल्व, लिबर्टी का लिबरेट, सर्विस का सर्व. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, 8 का ए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज अ नाउन एज वेल एज वर्ब एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विथ ईच सेट इन योर नोटबुक. क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये वर्ड्स का आपको सेंटेंस बनाना है. तो पहले सेंटेंस में ना उसको नाउन की तरह यूज़ करना है, और दूसरे सेंटेंस में उसको वर्ब के जैसा यूज़ करना है. जैसे पहला वर्ड है यहाँ पे मार्च, तो मार्च को नाउन के जैसा यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए. तो देखो हमने बनाया एक, गांधी जी लेट द मार्च, देखो यहाँ पे मार्च आ गया, अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो यहाँ पे नाउन की तरह ये यूज़ किया गया. बी है द विमेन मार्च टू द पुलिस स्टेशन एंग्रीली, तो ये एक वर्ब की तरह यूज़ हमने कर लिया. देन ऑनर, द पुअर ओल्ड मैन हैड द ऑनर ऑफ शेकिंग हैंड्स विद द वाइज किंग.
और दूसरा वी मस्ट ऑनर आवर नेशनल हीरोज, ये वर्ब की तरह यूज़ कर लिया गया। देन क्रेडिट है तो इसको भी हमने देखो नाउन के जैसा यूज़ किया है। द स्पोर्ट्स गर्ल सेड दैट द बिगेस्ट क्रेडिट फॉर हर सक्सेस गोज टू हर कोच। एंड नेक्स्ट, नो मनी हैज़ बिन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट दिस मंथ सेड द बैंक मैनेजर। स्टिच और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो ये नाउन के जैसा यूज़ कर लिया गया। एंड मैरी ऑलवेज स्टिच्ड हर स्कूल यूनिफॉर्म हरसेल्फ, तो ये वर्ब के जैसा यूज़ कर लिया गया। ओके, इट्स योर आंसर। अब भी है यहाँ पे कि राइट अ मिनिमम 4 हिडन वर्ड्स ऑफ मोर देन 4 लेटर्स फ्रॉम इंटर गवर्नमेंटल। तो देखो हमने लिखा है मीट टीम नीट इंटर गवर्नमेंटल, समझ में आया आपको? देखा हमने कैसे लिख दिया, ये पूरे वर्ड में से ही निकाला है मीट टीम नीट एंटर गवर्नमेंटल। देखो मेंटल, समझे? अगला सी है यहाँ पे कि मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर नोटबुक। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिनका यूज़ करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे पहला ए है इन द परस्यूट ऑफ, ये आपका फ्रेज है, इसका यूज़ करके सेंटेंस बनाइए मीनिंगफुल। तो देखो इसका आंसर मेनी पीपल लूज देयर हेल्थ इन परस्यूट ऑफ हेल्थ। बी अफ्रेड ऑफ, तो वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेसिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो यहाँ पे फ्रेज आ रहा है बी अफ्रेड ऑफ, देखो बी अफ्रेड ऑफ, और इन द परस्यूट ऑफ, देखो इन द परस्यूट ऑफ, क्लियर है? गिव अप, वी मस्ट नेवर गिव अप, देखो यहाँ पे गिव अप आ गया। ओके, आवर एम्बिशंस इवन वेन वी फेस प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे डी है कि पिक फ्रॉम लेसन द एंटोनिम्स ऑफ, अभी आपको एंटोनिम्स बताने हैं स्टूडेंट। एंटोनिम्स आपको पता है इग्नोरेंस का नॉलेज होगा, फिर इमोटिलिटी का मोटिलिटी, डेनी का एक्सेप्ट होगा। देखो बच्चों एक बात बता देती हूँ आपको, जब भी हम एंटोनिम्स लिखते हैं तो इस प्रकार से आता है ना, यहाँ पे डैश कर दिया गया, बट प्लीज़ इसको करेक्ट करना। इग्नोरेंस और फिर इस प्रकार से लिखना नॉलेज, देन इमोटिलिटी मोटिलिटी, फिर डेनी एक्सेप्ट। क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना आपको कैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ? कैसे आप विरुद्धार्थी लिखते हो वैसे ही, ऐसे कट का साइन लगाते हो ना, वो वॉयलेंस का पीस, वेल नोन का नोन, स्लेवरी का फ्रीडम। ओके, इस प्रकार से। सो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, गलती नहीं करना है ये पूरे में। ओके प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 9 का ए है कि व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इन सिचुएशंस में क्या करोगे। व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन, इफ़ यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, अगर आप देखते हो कि एक बच्चा जो है वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, देन व्हाट विल यू डू। यस, राइट योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस थिंग। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने आई टॉक टू रेस्टोरेंट ओनर एंड आस्क हिम टू सेंड द चाइल्ड टू अ गवर्नमेंट स्कूल। आई ऑफर टू गिव द चाइल्ड माई ओल्ड बुक्स एंड क्लॉथ्स। ओके, बी है यहाँ पे कि इफ़ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चा काम करते हुए दिख जाए, देन व्हाट विल यू डू। तो आंसर देखो आई टॉक टू द पेरेंट्स एंड आस्क देम टू सेंड हिम टू स्कूल। आई ऑल्सो इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड आस्क देम टू हेल्प। एंड नेक्स्ट, इफ़ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग एट अ ब्रिक वर्क साइट, अगर वो ब्रिक वर्क साइट पे काम कर रहे हैं, देन आई फाइंड एन एनजीओ एंड इन्फॉर्म देम अबाउट। ओके, अबाउट इट। डी है यहाँ पे कि इफ यू कम अक्रॉस अ बेगर चाइल्ड, अगर कोई भिखारी बच्चा आपके सामने आ गया, देन आई फाइंड एन ऑर्फेंज और एनजीओ इन द एरिया एंड आस्क देम टू हेल्प हिम। आई विल ऑल्सो गिव हिम सम पिक्चर बुक्स सो दैट ही बिगिन्स टू टेक एन इंटरेस्ट इन बुक्स। ओके, फिर यहाँ पे बी है राइट इन इट टू एफर्ट्स दैट यू कैन मेक टू एनरोल डिप्राइव चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन टू अ स्कूल, वन इज गिवन फॉर यू। ओके चलो लिखते हैं, ए है यहाँ पे कि आई, ये तो दिया गया, आई परसिव पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन टू सेंड देम टू स्कूल। बी है यहाँ पे कि आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड आस्क देम टू हेल्प सच फैमिलीज बाई गिविंग बुक्स बैग क्लॉथ्स एक्सेट्रा इफ दे एग्री टू send their child to school. Okay, I'll try to contact an NGO working in the field of education and ask them to help. Okay, so it's your answer. Agla question hai yahan pe, 10th one, types of sentence you have to read only. Dekho students yahan par question number 10 mein yahan par dekhiyega, yes, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे दिया गया, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। तो इसे आपको बस रीड करना है, देखो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी है।
ओके, तो ये सभी सेंटेंसेस यहाँ पे सेंटेंसेस के टाइप दिए गए हैं जिन्हें आपको बस रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू रीड ओनली। ओके, तो रीड करिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनके आंसर हमको देने हैं, तो चलो देखते हैं। इसका बी है, ए में तो आपको दिया गया है जैसे आपको रीड करना है। बी है यहाँ पे कि सी विदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। यानी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो बताइए कि ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, या फिर कौन से टाइप का है, आपको वो लिखना है। तो पहला है द मंत्र कैरीज अ प्रेयर, असर्टिव। फिर नेक्स्ट इज द वर्ल्ड सो पुअर, इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इम्परेटिव। लेट्स वर्क टूगेदर, इम्परेटिव। वॉट कैन वन पर्सन डू, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। वी हैव मेड प्रोग्रेस, ये क्या हो गया, असर्टिव। समझ में आया आपको? और ये भी बताना चाहूँगी, देखो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप ये सेंटेंसेस पढ़े रहोगे तब। ये ग्रामर के पार्ट है, आप लोग ग्रामर में पढ़ लीजिएगा जा करके, तभी आप इसको समझ पाओगे। अगला है कि हाउ अर्डरली वी हैव फेल आर चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी। जिस सेंटेंस के लास्ट में इस प्रकार से एक्सक्लामेशन मार्क आता है, देन वो सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी। वैसे ही अगला भी है कि व्हाट अ बिग चैलेंज इट इज़, तो यहाँ पे देखो एक्सक्लामेशन मार्क आया, इट मीन्स दिस इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, क्लियर है ना। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, इम्परेटिव मतलब जैसे ना आपको कुछ ऑर्डर दिया जा रहा हो या फिर आपको कुछ बोला जा रहा हो, ओके दैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव मतलब क्या, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो उस सेंटेंस में। एंड असर्टिव मतलब क्या, सीधा साधा कोई सिंपल सा सेंटेंस है उसको हम कह देते हैं असर्टिव सेंटेंस। सी है यहाँ पे कि रिवराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज असर्टिव। यानी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको असर्टिव सेंटेंस में लिखना है। पहला है व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर, तो ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है, राइट। अभी इसे आपको चेंज करना है इन असर्टिव सेंटेंस, देन हाउ विल यू डू दिस, कैसे करोगे, यस yes? तो देखो हमको ऐसे चेंज करना है ना, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे करना है। यू शुड हैव कम अर्लियर, जैसे यहाँ पे बोला था कि व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर, मतलब तुम जल्दी क्यों नहीं आते हो, तो हम इसको असर्टिव में बोल सकते हैं, अरे तुम यू शुड हैव कम अर्लियर, तुमको जल्दी आना चाहिए, राइट। हाउ फ्राइटेंड देयर आइज लुक, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी इसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, देयर आइज लुक वेरी फ्राइटेंड। नेक्स्ट है हाउ एंग्री इट मेक्स मी, तो ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव में किया हमने कि इट मेक्स मी वेरी एंग्री। फोर्थ वन है कि शुड आई एक्सेप्ट सच साइकल्स ऑफ स्लेवरी, तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हमने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, तो असर्टिव सेंटेंस में। देखो आई शुड नॉट एक्सेप्ट सच साइकल्स ऑफ स्लेवरी। अगला वॉट कैन वन पर्सन डू, तो ये क्या है, आपका इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, सॉरी ये इम्परेटिव नहीं है, आई एम सो सॉरी, इंट्रोगेटिव, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, यस yes? हाँ देखो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, अगर मैंने इम्परेटिव बोला होगा तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ये सभी आपके, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके क्लियर है ना। तो वॉट कैन वन पर्सन डू, ये भी क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है असर्टिव सेंटेंस में, वन पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके क्लियर है। अब 11th का ये देखेंगे क्या इसमें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग अंडरलाइन फ्रेजेस हियर, हैव, हैज, आर फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फाइंड मोर सच सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके तो देखो यहाँ पे ये तीनों तो दिए गए हैं, ये तीनों दिए गए हैं कि वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल्स ऑफ डिकेड्स, ओके, फिर इट हैज़ हैपन, ये सब कुछ दिया गया, ये हमने लिखा है चौथा वाला, वी हैव रिड्यूस द नंबर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, एंड पांचवा ये हैव, वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। ओके तो इस प्रकार से आपको ये करना था जो हमने किया है। बी है यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स, यानी ये जो सेंटेंसेज दिए गए, ये जो सभी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटिव्स। ओके फाइंड सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्पीच एंड अंडरलाइन द इन्फिनिटिव्स, यानी आपको स्पीच में से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को मतलब फाइंड करना है, इसके एग्जाम्पल्स और जो भी इन्फिनिटिव्स रहेंगे उनको अंडरलाइन करना है। ओके तो कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट रुकिए ज़रा। यस यहाँ पे देखो ये आपका बी है ना, तो टू ग्रो, टू एक्सेप्ट, टू प्रोटेक्ट, ये सभी क्या हो गए, इन्फिनिटिव्स हो गए, राइट।
यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये पूरा अंडरलाइन होगा, टू ग्रो, टू प्रोटेक्ट और टू एक्सेप्ट, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं, आई एम अनेबल टू डू दैट, तो यहाँ पे टू डू क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। उसी प्रकार से इसमें टू सी हो जाएगा इन्फिनेटिव एंड टू किल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन्फिनेटिव। समझ में आया ना? और ये तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो ये वाला, ओके क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देन सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। मतलब ये जो सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ये जो सेंटेंसेस दिए गए इसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये पहला तो दिया गया था, दूसरा देखिएगा, यहाँ तक दिया गया था, नो अदर चैलेंज नॉकिंग, इसके आगे क्या आएगा, ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ एज बिग एज फियर एंड इनटॉलरेंस। फिर अगला, फियर एंड इनटॉलरेंस आर बिगर, यहाँ से हमने लिखा है, देन एनी अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड, ओके। फिर उसके बाद इसमें बी है, द नोबल प्राइज इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर इन द वर्ल्ड। इसमें पहला देखिए, वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड एज अ ग्रेट एज द नोबल प्राइज, द नोबल प्राइज इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर ऑनर्स इन द वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का है, मैच द सेंटेंसेज गिवन इन पार्ट ए विद द सेंटेंसेज गिवन इन पार्ट बी, नोट द डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर, ओके। स्टूडेंट्स आपको मैच करना है ना, मैं आपको बताती हूँ, रुको। ये देखो ए है और बी है, तो आपको मैचिंग मैचिंग करना है कि कौन सा किसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, इसका आंसर इसके सामने लिखा है, इसका आंसर इसके सामने, मतलब यहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर लिखा है, ओके क्लियर है, आपको समझ आ रहा है। जैसे पहला है कि ही वॉज किडनेप्ड बाई एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, तो क्या आएगा यहाँ पे, एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया किडनैप्ड हिम। वैसे आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे दिया क्या है, जैसे ये क्या है आपका, आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यस। चलो तीनों पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। दूसरा है, द चाइल्ड वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो दे फोर्स द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर अगला है, दिस कैन बी डन बाई अस, वी कैन डू दिस। आपको कुछ समझ आ रहा है, एक्टिव पैसिव है ना, ऐसा ही कुछ रिलेटेड लग रहा है। चलो आगे पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द सेंटेंसेज इन पार्ट ए आर इन पैसिव वॉइस वाइल द सेंटेंसेज इन पार्ट बी आर इन द एक्टिव वॉइस। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू द पैसिव वाइज, समझे आप, ये जो आपका पार्ट ए में है ना ये क्या है, पैसिव वाइज, और जो पार्ट बी में है ये आपका पार्ट ए है, पार्ट बी, तो पार्ट ए में पैसिव वाइज है और पार्ट बी में क्या है, एक्टिव वाइज, ठीक है, क्लियर है ना। और अगेन आप लोग को बोलना चाहूँगी कि वॉइस भी क्या है स्टूडेंट, ग्रामर का ही पार्ट है, तो वो आप ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेगा। वैसे अगर आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, देन मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, अगर आप चाहोगे तो, नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, फर्स्ट है यहाँ पे वी कैन डू इट, इसे आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे, इस देखो ये क्या है आपका एक्टिव वाइज, इसे आपको पैसिव वाइज में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, तो देखो इट कैन बी डन बाई बस। देखो वैसे तो आपको समझ में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, थोड़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी तक रूल नहीं पढ़ा है एक्टिव और पैसिव वाइज का होता क्या। अगर आपको एक्टिव वाइज दिए गए तो आप पैसिव वाइज में कैसे लिखोगे, इसके लिए ना प्रॉपरली एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैथ में हमको कैसे कोई भी सम सॉल्व करना रहता है उसके लिए कैसे फॉर्मूले होते हैं, उसी प्रकार से इसके लिए भी फॉर्मूले होते हैं, ओके। तो वो जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपको ये समझना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताते जाते हूँ, क्योंकि अगर वो यहीं पे बताने लगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल सेक्स में, तो इसमें क्या आएगा, आई एम स्टिल सेकंड बाई हर एंग्री क्वेश्चन। अगला है यहाँ पे, गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज, तो आंसर देखो, चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज मस्ट बी मेड बाई गवर्नमेंट्स, हिज आंसर मेड मी एंग्री, आई वॉज मेड एंग्री बाई हिज आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्या है, इमेजिन योर स्कूल इन्वाइट्स मलाला टू प्रेसाइड ओवर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम, यानी आप ये इमेजिन करो, ऐसा कल्पना करो
कि आपके स्कूल ने मलाला को मतलब बुलाया है ये फंक्शन में जो प्रोग्राम होने वाला है सेलिब्रेशन स्टूडेंट डे का, ड्राफ्ट अ वेलकम स्पीच फॉर दिस गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी इनके सम्मान में आपको एक स्पीच बनाना है, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर फ्रॉम इंटरनेट और स्कूल लाइब्रेरी, मतलब इनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप स्पीच बनाइए, और जब आप स्पीच यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे ना देन आपको माइंड में ना ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें रखना है, जैसे कि ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन होना ही चाहिए आपके स्पीच में, एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, ओके इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर टॉपिक, एंड नेक्स्ट अ कैची थॉट पीस ऑफ न्यूज शॉर्ट एपिसोड, कुछ भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बॉडी ऑफ द स्पीच सपोर्टेड विद रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड एपिसोड्स एंड कंक्लूजन होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने वेलकम स्पीच लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आपने स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और लिखिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे सैल्यूटेशन है ना, ग्रीटिंग, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सैल्यूटेशन। देन इंट्रोडक्शन, राइट, तो इंट्रोडक्शन भी हमने लिखा है, देखो आई प्रेजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, आई एम अनन्या अय्यर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, राइट, और फिर उसके बाद क्या बोला गया था कि कैची थॉट, ये सारी चीज़ें इसमें सब कुछ हमने इंक्लूड किया है, सो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसको आराम से बैठ करके पढ़ना, आपको समझ आएगा, चलो फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, ओके तो चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।